हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑटो नॉलेज पीवी। गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीवीएस जुपिटर जेडएक्स की। तो गाइस, ये जो स्कूटी है ये न्यू लॉन्च हुई है। गाइस, इसके पहले जो मॉडल आता था वो गाइस उसमें इतनी फेयरिंग का यूज़ नहीं किया गया था। गाइस, इसमें आपको नए फीचर्स भी ऐड मिलेंगे। और गाइस, तो वीडियो बना लंबा करते हुए शुरू करते हैं गाइस फ्रंट से। तो गाइस, फ्रंट में आप यहाँ पे आपको इतने हाइलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। साइड में आपको यहाँ पे इंडिकेटर साइड बल्ब देखने को मिलेंगे जो गाइस क्रोम में है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और गाइस बात करें तो हम गाइस में फ्रंट में आपको यहाँ पे टीवीएस की बैचिंग मिलेगी जो कि 3D में है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके नीचे गाइस यहाँ पे आपको वी शेप में आपको यहाँ पे ये बैचिंग मिल जाएगी। बात करें हम इसकी गाइस मिडगार्ड की, तो यहाँ पे आपको गाइस ड्यूल टोन फिनिश में मिलेगा जो कि गाइस डार्क ब्लू एंड मैट ब्लैक है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और गाइस बात करें इसके एलोई व्हील की, तो गाइस में आपको फुल्ली मैट ब्लैक एलोई व्हील देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। गाइस, जो इसका टायर साइज है वो आपको 90/90 का मिलेगा ट्यूबलेस, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, यहाँ पे आपको 180mm की डिस्क देखने को मिलेगी। और गाइस के बात करें सॉकर की, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिलेंगे जो कि स्कूटी में काफी ज्यादा अच्छा फीचर है। और गाइस हम बात कर लेते हैं इसकी सीट की। तो गाइस, जो इसकी सीट है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है जो कि आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और गाइस बात करें इसके ग्रैब रेल की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ग्रैब रेल देखने को मिलेगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये स्कूटी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है टीवीएस में। अगर आप एंटॉर्क नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको टीवीएस जुपिटर बेस्ट ऑप्शन है। बात कर ले इसके मीटर की, तो गाइस यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर मिल जाएगा, डिजिटल मीटर दोनों ही मिलेगा जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। गाइज, अब मैं आपको बाइक का साउंड सुना देता हूँ गाइज, जो कि आप लोग सुन सकते हैं। गाइज, ये इसका जो हॉर्न है, इसके जो गाइज आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बात करूँ गाइज के हॉर्न की, गाइज जो इसका हॉर्न है वो सिंगल हॉर्न है, तो गाइज उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है। पर गाइज ये अगर आप एंटॉर्क नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो गाइज टीवीएस में जुपिटर इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको यहाँ पे साइड में फुटरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको किक का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आपकी बैटरी सेल्फ से नहीं स्टार्ट हो रही है तो ये आपको बेस्ट ऑप्शन है। गाइज मैं बता दूं कि इस बार टीवीएस जुपिटर में आपको मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप डाटा केबल यूज करके अपना मोबाइल आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो गाइज टीवीएस जुपिटर इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप कोई अच्छी स्कूटी खरीदना चाहते हैं तो। गाइस मैं बात करूं इसके बैग की, तो बैग में आपको यहाँ पे बैग में आपको इंडिकेटर बल्ब यूज किए गए हैं। यहाँ पे आपको LED का यूज नहीं किया गया है। गाइस बात कर लूं मैं इसके साइलेंसर की, तो यहाँ पे आपको फुल्ली ब्लैक साइलेंसर मिलेगा जिसपे कि आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की मेटल की प्लेट की यूज की गई है। मैं बात कर लूं साइड फुटरेस्ट की, तो ये आपको बॉडी फेयरिंग के साथ ही अटैच है जो कि आप लोग देख सकते हैं। और गाइज मैं बात कर लूँ जुपिटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैग में जुपिटर लिखा हुआ है, जुपिटर जेडएक्स जो कि क्रोम में लिखा हुआ है। और गाइज मैं बात कर लूँ इसके बैक टायर की, तो जो गाइज का बैक टायर है ये आपको मिलेगा, ये गाइज आपको बैक टायर ये आपको 90/90 का मिलेगा। जो ये फ्रंट टायर और बैक टायर दोनों ही आपको 90/90 का मिलेगा, दोनों ही टायर ट्यूबलेस हैं। बैक में भी आपको एलोई व्हील मिल रहे हैं जो कि मैट ब्लैक है। तो गाइज अगर आप टीवीएस में जुपिटर खरीदना चाहते हैं, तो गाइज अगर आप टीवीएस की कोई स्कूटी लेना चाहते हैं तो ये आप जुपिटर इज द बेस्ट ऑप्शन। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें।